गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कार्मिक यौगिक और मैंने बताया था कि कार्मिक यौगिक छह प्रकार के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये छह प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और हमने इनमें से जो फर्स्ट टाइप है मतलब हाइड्रोकार्बन वो हमने पढ़ना शुरू कर लिया था। और हमने पढ़ लिया कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त, दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो एक तीसरे टाइप का भी होता है, मतलब हमने हम अब तक पढ़ा क्या, देखो हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, वो कार्बनिक यौगिक तीन तरीके से अपनी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देखो एक कार्बन ऐसे जुड़े हो सकते हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर कोई कार्बनिक यौगिक ऐसे सीधी श्रृंखला में है तो हमको इसको कहेंगे सीधी श्रृंखला वाला। अगर इसमें कोई बीच में जुड़ा हुआ है, जैसे ये एक कार्बनिक यौगिक है और बीच में यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शाखित। शाखित मतलब ब्रांच चेन, देखो ब्रांच निकलगी ना, इसकी एक शाखा निकलगी, तो इसको हम कहेंगे शाखित हाइड्रोकार्बन। शाखित, शाखित मतलब इसमें शाखा है, शाखित हाइड्रोकार्बन। इसका नामकरण कैसे करते हैं शाखित हाइड्रोकार्बन का, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये इसका नामकरण तो बिल्कुल साधारण ही है, जितने कार्बन है अगर इसमें सभी में एक ही आबंध है और जितने कार्बन है उसके हिसाब से नाम पड़ जाएगा। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः है तो हेक्सेन नाम पड़ जाएगा, क्योंकि एकल आबंध है तो ये एल्केन का सदस्य है। अगर कहीं पे इसमें द्वि आबंध होगा तो इसका मतलब है ये अब एल्कीन का सदस्य है और इसका नाम पड़ेगा हेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है। और अगर इसमें ट्रिपल आबंध है, तीन आबंध है, अब ये बन जाएगा एल्काइन का सदस्य, तो इसका नाम पड़ेगा हेक्साइन। बात समझ आएगा, तो हेक्जेन, हेक्जीन, हेक्साइन। तो ये तो होता सीधी श्रृंखला, ये होती है शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला इसमें किस प्रकार नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, मैंने बताया भी था कि हम इस कार्बन को देखेंगे कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है, जिस साइड से ये नजदीक होगा उसी साइड से हम कार्बन श्रृंखला को नंबर देना शुरू करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें इधर से दे लो चाहे उधर से दे लो, ये तीसरे नंबर पे ही आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरी श्रृंखला है ऐसे इस प्रकार से है, इस प्रकार से श्रृंखला हुई कोई और यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें नॉमेनक्लेचर सॉरी नंबरिंग, जो कार्बन की नंबरिंग करेंगे हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से नहीं करनी है, करनी इधर से है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये इस साइड से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आठ कार्बन श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है ये, और आठ कार्बन है तो इसका मतलब है ये ऑक्टेन होगा, और ऑक्टेन हमें तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कोई शाखा जुड़ी हुई है। ये जो शाखा जुड़ी है ये कौन सा है, ये मिथाइल है, इथाइल है, तो फिर उसके हिसाब से इसका नाम पड़ेगा। अगर ये मिथाइल है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 3-methyl octane, ठीक है, ऐसे इसका नाम पड़ेगा। और अगर ये नहीं जुड़ा हुआ है, मान लो ये नहीं जुड़ा, तो सीधा इसका नाम पड़ जाएगा ऑक्टेन। बात समझ में आएगी, ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी। अब इसमें एक टाइप और है, उसको बोलते हैं वलयकार हाइड्रोकार्बन। वलयकार का मतलब क्या होता है भाई, वलयकार का मतलब है जब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक रिंग का निर्माण कर ले, एक वलय का निर्माण कर ले। कैसे, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये इस प्रकार से जुड़कर देखो एक वलय का निर्माण कर लिया, तो इस प्रकार के कार्बन यौगिक को बोला जाएगा क्या, वलयकार हाइड्रोकार्बन। अब दो कार्बन जिसमें है ऐसे, देखो ये इसमें ये तो वलय का निर्माण नहीं कर सकता, तो कम से कम कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन जरूर होंगे इस प्रकार से, तो ये क्या होगी, इसका नाम क्या पड़ेगा। अब जितने भी वलयकार हाइड्रोकार्बन होंगे उनके आगे साइक्लो शब्द लग जाएगा, याद रखना साइक्लो, साइक्लो ये लग जाएगा, और उसके बाद कार्बन संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3, तीन है तो ये क्या प्रोपेन, और ऐसे जुड़े हैं रिंग के रूप में, वलय के रूप में जुड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन,
और एक बात और याद रखना भाई कि साइक्लोप्रोपेन का सूत्र प्रोपेन जैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ठीक है ना, एल्केन में है तो 3 × 6 = 2, 8 दुगने का 2 जुड़ के आएगा, तो इसका सूत्र जो होगा वो होगा C3H6। देखो ये मैंने बनाया, अब इसकी समरूपता पूरी करेंगे हम किसकी, इस कार्बन की, इसमें 1 2 3 4 इसकी पूरी करेंगे, 1 2 3 4 इसकी पूरी करेंगे, 1 2 3 4 ठीक है ना, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, इसलिए इसका सूत्र क्या बनेगा, C3H6 किसका, साइक्लोप्रोपेन का। कोई भी मान लो वो पेपर में ये कह दे कि कोई एक वलय का हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए, तो आप साइक्लोप्रोपेन से शुरू कर सकते हो, साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हो, साइक्लोब्यूटेन जिसमें कितने 4 कार्बन होंगे, साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हो, साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन होंगे, साइक्लोपेंटेन में होंगे भाई 5 कार्बन, ये 5 कार्बन होंगे इस प्रकार से, ये 5 कार्बन किसमें होंगे, साइक्लोपेंटेन में होंगे। अभी तो मैंने कार्बन, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखे हैं, जब हम इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 ऐसे सभी के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सभी में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन ठीक है। ये हाइड्रोजन जुड़ने से अब इसका सूत्र क्या बनेगा, C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन है, जबकि अगर हम हेक्सेन की बात करें तो उसका सूत्र आएगा C6H14। यहां इसका सूत्र क्या आएगा, C6H12। और सभी में देखो एकल आबंध है, अब ये वलयाकार हाइड्रोकार्बन है, मैंने बताया जिसमें कार्बन कार्बन जुड़कर एक वलय का निर्माण कर लेंगे उसको हम कहेंगे वलयाकार हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अगर हम इनकी बिंदु संरचना से इनका दिखाने की कोशिश करेंगे, बिंदु संरचना से आप ऐसे दिखा सकते हो भी, जैसे ये कार्बन है, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक इसका ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, 4 होते हैं इसके पास। यहां हम दिखाएंगे इसका हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ऐसे ही एक ये कार्बन है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया इस साइड वाले का, और ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और ये मैं सिर्फ 2 कार्बन का करके बता रहा हूं कि बिंदु संरचना कैसे बनानी है, सभी में ऐसे ही आएगी। अब इसके पास 4 है, इसको चाहिए 4 अलग से, ये इसका भी, तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को चाहिए 1 एक्स्ट्रा, इस हाइड्रोजन को भी चाहिए 1 एक्स्ट्रा, तो ये इसके साथ साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन का मैंने बनाया, ये इसके साथ साझेदारी करेगा हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन बच गया, ये एक तो ये इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इसके साथ, 1 2 हो ना, एक यहां से लेगा इसके साथ साझेदारी करेगा, 4 के साथ करनी है इसमें, एक यहां से 2 एक यहां से 3 एक 4, तो ये ऐसे करेगा इस प्रकार से। ये किसका बनाया मैंने, ये इस कार्बन के लिए पूरा किया है, तो ये जब अपने एक आबंध इसके इसके बीच में बनेगा, एक आबंध इसके इसके बीच में, एक यहां पे इस प्रकार से आबंध का निर्माण हो जाएगा। ये मैंने एक कार्बन का करके आप लोगों को दिखा दिया, ऐसे ही सारे के सारे कार्बन में आप कर सकते हो। ये होती है बिंदु संरचना, पेपर में आती है कि साइक्लोहेक्सेन की बिंदु संरचना को दर्शाइए, जैसे मैंने ये एक और दो कार्बन का करके दिखाया है, सभी कार्बन में ऐसे ही होगा, बात समझ में आएगी। और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन सभी में इसी प्रकार से ही होगा, बस हमने कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करना है, और सिर्फ कार्बन की नहीं, जो हाइड्रोजन होती है उसके जो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी भी संयोजकता को हमने पूर्ण ही करना है, बस सभी की संयोजकता जब पूर्ण हो जाएगी तो वो यौगिक संतुष्ट हो जाएगा और उसकी संरचना पूर्ण हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये थे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन। अब वलयाकार हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संतृप्त भी होते हैं और असंतृप्त भी होते हैं, जैसे ये जो मैंने बनाए जिनमें एकल आबंध है, ये सारे के सारे क्या है, ये है संतृप्त वलयाकार हाइड्रोकार्बन।
असंतृप्त वलय पर हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रि आबंध होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण पढ़ लेते हैं हम किसका, एक वलय पर हाइड्रोकार्बन जो कि असंतृप्त है, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, जैसे ये 6 कार्बन वाला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बनाया, 6 कार्बन वाला वलयकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक 6 कार्बन वाला वलयकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। जैसे ये एक कार्बन है, ये एक, ठीक है, ये और ये, ये हो गए भी 6 कार्बन। अब उसने कहा ये तो संतृप्त हो गया असंतृप्त, अब यहां पे मान लो मैं एक डबल बॉन्ड लगा दी, ये द्वि आबंध बना दिया। ठीक, अब ये लगाने से क्या हो गया, तो ये जो वलयकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसका नाम होता है अभी बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन, बेंजीन। अब इस बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब C6H6 अगर है तो इसकी संरचना क्या बनेगी, ये द्वि आबंध हो गया, एक द्वि आबंध यहां होता है और एक द्वि आबंध यहां होता है, ये एक के बाद एक, देखो यहां पे आया, यहां नहीं आया, यहां आया, यहां नहीं आया, यहां आया, एक को एक के बाद एक क्यों आया, मतलब एक इसको क्यों छोड़ा, अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो हम ये सूत्र नहीं बनेगा, C6H6 वाला सूत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप देखो इसमें इसकी अगर हम संयोजकता पूरी करेंगे तो इसकी संयोजकता में 1, 2, 3 और 1, 4 ऐसे बन लगेगा, इसकी करेंगे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और इसकी 4, 1, 2, 3, ऐसे सभी में एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, सभी में एक एक हाइड्रोजन लगेगा, तब जाके ये सूत्र बनेगा C6H6। और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन। तो पेपर में अगर आता है कि एक असंतृप्त वलय पर हाइड्रोकार्बन की रचना बनाइए या संरचना कीजिए, तो आप ये संरचना कर सकते हो किसकी, बेंजीन की। ये तो सीधी संरचना मैंने कर दी, अगर आप इसकी बिंदु संरचना करके दिखाना चाहें कि इसकी बिंदु संरचना क्या है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं भाई, देखो अब इसमें ही देख लो या अलग से देखो, ये कार्बन है और कार्बन की संयोजकता होती है अभी 4, कार्बन की संयोजकता कितनी है 4। इस कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 2, 1, 2, 3 और ये हो गया इसके 4, एक कार्बन मैंने बनाया इसका, एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहां है, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 इसके हो गए, इसके 1, 2, 3 और 4, इस कार्बन के लिए मैंने बनाई ये बिंदु संरचना। तो ये सिर्फ कार्बन कार्बन की बिंदु संरचना है। अब क्या होगा, अब इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये किस प्रकार अपनी संयोजकता को पूर्ण करेगा, मतलब भाई ये कक्षा किस प्रकार पूर्ण करेगा, साझेदारी कैसे करेगा, तो ये होगा भी एक हाइड्रोजन इसका, इसकी बिंदु संरचना, ये हाइड्रोजन इसकी बिंदु संरचना और ये हाइड्रोजन ये इसकी बिंदु संरचना है। अब ये क्या करेगा, मैं सिर्फ 3 करके दिखा रहा हूं, सभी में ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें एक द्वि आबंध भी आ जाएगा। तो अब देखो जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे साझेदारी करेगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ऐसे ही ये एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। अब ये जो कार्बन है इसको तो 4 और चाहिए, 1, 2, 3, 4 तो इसके है ही, एक तो ये इस हाइड्रोजन से लेगा, 2 इस कार्बन के लेगा नहीं मतलब साझेदारी करेगा, और 1 इसका इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, तो इसके 4 हो जाएंगे। देखो एक हाइड्रोजन का आया ये, 2 इस कार्बन के और 1 इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा द्वि आबंध, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पे आएगा एकल आबंध, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा एकल आबंध,
इस प्रकार से ये एक कार्बन के जो ये आबंध है ये निर्माण हुआ। ऐसे ही आप दूसरे कार्बन जो आगे आएंगे उनका निर्माण कर सकते हो, बिंदु संरचना दिखा सकते हो किसके लिए, सभी कार्बन के लिए। और अगर पेपर में आती है तो आप सभी कार्बन की बिंदु संरचना इसमें दिखाओगे और दिखानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये था क्या वलयाकार हाइड्रोकार्बन। वलयाकार हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होंगे भाई, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, बात याद रखना। अब हम देखते हैं क्या संरचनात्मक समावयव। संरचनात्मक समावयव ये मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र एक जैसा होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है उनको बोला जाता है संरचनात्मक समावयव। और ऐसी क्रिया का नाम है संरचनात्मक समावयन, मतलब ये प्रक्रिया क्या है संरचनात्मक समावयन। उदाहरण अब वैसे दोबारा बता रहा हूं मैं ये, जैसे C5H12 है, C5H12 इसका क्या नाम है, इसका नाम है भाई पेंटेन, पेंटेन बोला जाता है C5H12 को। अब इसकी संरचना क्या है, एक तो ये भाई सीधी श्रृंखला वाला बनेगा इस तरह, जिसमें पांच कार्बन आएंगे सभी पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सब किसी से उसका पूरी कर देंगे तो हमारे पास एक सीधी श्रृंखला बन जाएगी, पेंटेन की संरचना बन जाएगी। एक इसकी दूसरी संरचना ये हो सकती है, चार कार्बन ये लिखे हमने और एक कार्बन को कहीं से उठा के यहां लिख दिया, ये भी तो इसकी संरचना है। इसका सूत्र भी क्या है C5H12 ही है, इसका भी सूत्र वही है, लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो साफित हो गया। अब ये पेंटेन नहीं है, ये ब्यूटेन है, लेकिन साफित ब्यूटेन जिसमें एक साफा जुड़ी है। एक और जैसे तीन हमने लिखे, तीन एक कार्बन को ऊपर जोड़ दो, एक कार्बन को नीचे जोड़ दो, कार्बन एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे जोड़ दिया और इसमें सभी हाइड्रोजन को पूरा कर दो, सभी कार्बन की जो संयोजकता है उनको पूरा कर दो हाइड्रोजन से, तो जो संरचना निकल के आएगी उसका सूत्र भी C5H12 ही होगा, उसका सूत्र भी। तो सभी का सूत्र C5H12 ही है लेकिन सभी की संरचना अलग अलग है, तो इनको बोला जाता है समावयव। पेंटेन के ये तीन समावयव है और प्रक्रिया का क्या नाम है संरचनात्मक समावयन, याद रखना ये बात। ठीक, पेपर में आता है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम क्या कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी देखो, जो आपने पीरियोडिक टेबल का अगर नाम सुना हो तो जिन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, जिन तत्वों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, हम उनको एक ही समूह में रखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हमने कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक का मतलब भी आवर्त सारणी जो है, तो उस आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण एक समान होते हैं हम उनको एक ही समूह में रखते हैं। ऐसे ही जिन कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और संरचना समान होती है हम उनको एक ही समूह में रखते हैं। तो कार्बन यौगिकों का ऐसा समूह जिनकी संरचना व गुण समान होते हैं, ऐसे समूह को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। या इसकी परिभाषा अगर हम पूरी करें तो देखो, कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है, समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं, संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं तथा उसके प्रत्येक सदस्य के बीच में CH2 समूह का अंतर होता है। अभी CH2 समूह का अंतर का क्या मतलब है, चलो ये भी देख लेते हैं कि CH2 समूह का अंतर का क्या मतलब है। बस ये परिभाषा थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, बस क्या है कि एक समूह है, जैसे कोई तत्व है जैसे ABCD, इस प्रकार से एक श्रेणी हमने बनाई और इस श्रेणी में जितने भी समूह हैं ये यौगिक हैं, इन यौगिकों की संरचना और इनके गुण समान है तो हम इस श्रेणी को क्या कहेंगे, हम इस श्रेणी को कह देंगे समजातीय श्रेणी। और ये समजातीय श्रेणी किसकी श्रेणी है, ये कार्बन यौगिकों की, ये कार्बन यौगिक है, ये कार्बन यौगिक है, ये भी कार्बन यौगिक है, तो ये कार्बन यौगिकों की एक श्रेणी है। इन सभी की संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं और इनके बीच में CH2 समूह का अंतर होता है। उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे एल्केन है, एल्केन क्या होते हैं, एल्केन एल्केन भी समजातीय श्रेणी बनाते हैं। कैसे, जैसे आपने जब कार्बन में एन का नंबर एक रखा था तो हम निकल के आया CH4 मीथेन, फिर उसके बाद निकल गया C2H6 इथेन, फिर C3
H8 प्रोपेन C4H10 ठीक है, ऐसे आया था मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ये चार सदस्य हैं, ये किसके हैं, ये समजातीय श्रेणी के चार सदस्य हो गए यहाँ पे। ये भी कार्बन यौगिक है, ये भी कार्बन यौगिक है, ये भी कार्बन यौगिक है, ये भी कार्बन यौगिक है भाई। अब तो ये एक श्रेणी बन गई ना, समूह बन गया, तो इस समूह को हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। और इसको समजातीय श्रेणी क्यों कहेंगे, क्योंकि इन सभी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म समान है, उनकी संरचना भी समान है, और इनके बीच में CH2 समूह का अंतर है। देखो इसके और इसके बीच में एक कार्बन का अंतर है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ एक है, एक कार्बन का अंतर हो गया। और यहाँ कार्बन कितने हैं, छह है, ना सॉरी हाइड्रोजन कितने, छह, और हाइड्रोजन कितने, चार। तो हाइड्रोजन में कितने का अंतर होगा, CH2 का, है कि नहीं, CH2 का अंतर। यहाँ देखो यहाँ कार्बन तीन है, यहाँ दो है, तो कार्बन एक का अंतर हो गया। यहाँ हाइड्रोजन आठ है, यहाँ हाइड्रोजन छह है, तो हाइड्रोजन में कितने का अंतर होगा, दो का। तो ऐसे ही इसमें भी इसी इकाई का अंतर है। तो दो क्रमागत सदस्य इस श्रेणी के, दो क्रमागत सदस्यों के बीच कितने इकाई का अंतर है, CH2 इकाई का अंतर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। ऐसा ही हम, ये तो एल्केन में होगा, आप एल्केन में भी दे सकते हो। इथीन में देखा होगा आपने C2H4 C3 H6 C4 H8 C5 H10 C6 H12, ठीक है, किसकी है, ये एल्केन की है, ये इथीन है, ये प्रोपीन है, ये ब्यूटीन है, ये पेंटीन है, इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है, देख लो चाहे इसके बीच में एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का अंतर है, यहाँ भी CH2 का अंतर है, यहाँ भी CH2। ऐसे ही आप अल्काइन में भी देख सकते हो, ऐसे ही आप अल्कोहल जो कार्बन यौगिक होते हैं उनमें भी देख सकते हो, वहां भी समजातीय श्रेणी होती है, इसमें अल्कोहल में भी समजातीय श्रेणी होती है, ठीक है भाई। तो समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों का एक समूह है जिनकी रासायनिक, जिनकी संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं, उनके बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है। इस समजातीय श्रेणी के कुछ गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, सबसे पहला गुण है भाई देखो, इन इसके सभी सदस्यों को हम एक सूत्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं। पहला गुण क्या होगा भाई, एक समान सूत्र, सभी का एक समान सूत्र है, क्या, देखो इसका सभी का जनरल सूत्र क्या होता है, CnH2n, ये, और इन सभी का क्या है, CnH2n+2 होता ना ऐसा, तो सभी का एक समान सूत्र होगा, सभी का मतलब जनरल सूत्र जो होगा, साधारण सूत्र क्या होगा, सभी का समान होगा। पहला गुण है ये कि सभी का एक समान सूत्र है। दूसरा क्या है, सभी के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा क्या है, दो कर्मागत सदस्यों के बीच, जैसे दो कर्मागत सदस्य कौन से हो गए, एक ये और एक ये, ये दो कर्मागत सदस्य है, इनके बीच 14U मतलब इतने आणविक द्रव्यमान का अंतर है, आणविक द्रव्यमान का अंतर है 14U का, 14U का कैसे, CH2 का अंतर है इनके बीच में, CH2 का आणविक द्रव्यमान कितना, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितने होते हैं 2, हाइड्रोजन का 2, तो 14 हो गया ना। तो अगर हम सीधा ये कहें CH2 का अंतर है या 14U आणविक द्रव्यमान का अंतर है, एक ही बात है, तो इनके बीच में कितना 14U, U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। सभी के रासायनिक गुण समान होते हैं, सभी के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये बात याद रखना। एक और लास्ट गुण क्या है का, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे किसी समझाते श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। जैसे इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन 12, देखो यहाँ पे दो, इसका देख लो कार्बन यहाँ 12 और 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया 12 और 4 16 हो गया, मीथेन का इसका कितना हो गया, यहाँ दो कार्बन हो गए तो 24 हो गया, प्लस में 6 30 हो गया। तो नीचे जाते रहेंगे तो क्या बढ़ता रहेगा, इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से इनके भौतिक गुणों में अंतर आ जाएगा। भौतिक गुण कौन से, जैसे इनका क्वथनांक, इनका गलनांक, या इनकी भौतिक अवस्था की, मतलब ये ठोस रहेंगे कि द्रव रहेंगे कि गैस रहेंगे, उनमें अंतर आ जाएगा। तो ये पांच गुण याद रखना किसके, समजातीय श्रेणी के, कि भाई इनका एक समान सूत्र होता है, इनके बीच CH2 इकाई का अंतर होता है, इनके बीच 14U 14 एटॉमिक मास यूनिट आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है, सभी के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और भौतिक मतलब भौतिक गुण आणविक द्रव्यमान बदलने से बदल जाएंगे, ठीक है भाई।
अब आता है विषम परमाणु क्या होता है। विषम परमाणु देखो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक में दो तो चीज मुख्य है, दो परमाणु तो मुख्य रूप से मिलेंगे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ये तो सामान्य तत्व है किसके, कार्बनिक यौगिक के। अगर इन दोनों के अलावा किसी कार्बन यौगिक में कोई अन्य तत्व मिलता है तो हम उस अन्य तत्व को कहेंगे विषम परमाणु। जैसे कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ऐसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, ये तो इसके सामान्य तत्व है, सामान्य परमाणु है। अगर इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाए ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहलाएगा विषम परमाणु। ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन या हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर किसी कार्बन यौगिक में जो भी परमाणु होंगे हम उन परमाणुओं को बोलेंगे विषम परमाणु। और विषम परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं वैसे बता देता मैं, हैलोजन जो हमारी पेरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें जो 17वां समूह होता है, 17वें समूह में सदस्य जो होते हैं उनको हैलोजन बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आएंगे भी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सदस्य जो होते हैं किसके, ये 17वें समूह के सदस्य होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन सभी को हैलोजन बोला जाता है। मिला के इस पूरे सभी के समूह को हम हैलोजन कहेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ इस हैलोजन में से कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, यौगिक विषम परमाणु। अब होता है प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह। देखो जो हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, मतलब वो तो संतृप्त है, संतुष्ट है, वो क्रियाशील नहीं होते। लेकिन जब उनके साथ कोई दूसरा कोई तत्व या तत्वों का समूह, कोई दूसरा परमाणु, जैसे ये परमाणु जुड़ा है, तो अब यह अधिक क्रियाशील हो जाएगा। जब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था उस समय तक यह क्रियाशील नहीं था, जैसे इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो ये हो गया भी क्रियाशील। मतलब क्या, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ जुड़कर इसके रासायनिक गुणों को बदल दिया, मतलब इसकी क्रियाशीलता को बदल दिया, इसके रासायनिक गुणों को बदल दिया। तो हम इस समूह को क्या बोलेंगे, प्रकार्यात्मक समूह कहेंगे। तो प्रकार्यात्मक समूह की परिभाषा क्या होगी, तो प्रकार्यात्मक समूह हो गया भी कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों के साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता और उसके गुणों को बदल देता है उसको हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। तो क्या बताया मैंने कि कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों के साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता और उसके गुणों को बदल देता है उसको बोला जाता है प्रकार्यात्मक समूह। अलग अलग प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह है, जैसे एल्कोहल समूह जैसे OH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ठीक है। और हैलोजन जो मैंने बताया, ये हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और इसके अलावा एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, कीटोन COOH, ऐसे ये कीटोन है तो कीटोन भी प्रकार्यात्मक समूह होता है। और इसके अलावा जो एल्कीन होती है, एल्कीन, ये भी एल्काइन, ये भी प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर कार्बन यौगिक के साथ जुड़ता है तो कार्बन यौगिक की क्रियाशीलता और उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो इसलिए इनको बोला जाएगा प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है भाई। तो ये था भाई आज का टॉपिक, आज के वीडियो। तो इसमें हमने पढ़ लिया संरचनात्मक अलग अलग वलयाकार सीधी श्रृंखला वाले और
साखित हाइड्रोकार्बन समजातीय श्रेणी हम पढ़ चुके हैं, समजातीय श्रेणी के हमने गुणों को पढ़ा है, विषम परमाणु पढ़ लिया हमने और प्रकार्यात्मक समूह भी पढ़ लिया। तो ये तो भाई आज की वीडियो में जो ये टॉपिक मैंने करवाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।